हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट यंग मॉडल्स के, क्योंकि हमारी 7th यूनिट चल रही है क्लास प्लस वन की, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, बल्क मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यंग्स मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने फिगर एक ड्रॉ कर दिया बोर्ड पर, ऊपर लिख दिया यंग्स मॉडल्स स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की, आप जाके देख लीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यंग मॉडल्स को वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वाई इज द सिंबल जो कि इसको रेस्पेक्ट किया गया यंग्स को। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमें समझना क्या है इस टॉपिक के अंदर, यह समझना है कि जो हमारा यंग्स मॉडल का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है आपका द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, यदि हम नॉर्मल स्ट्रेस और हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं और उन दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो वी विल गेट द रिजल्ट y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यही इसका एक डेफिनेशन है, यानी कि द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में आपको पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये इसका एक हमारे पास सपोज वी हैव द वायर एंड ऑन दिस वायर वी हैव अप्लाइड द फोर्स, यानी कि वेट इस पे हैंग कर दिया, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स हमने यहां से नीचे की तरफ लगा दिया, ये कुछ वेट है यहां पर इसको हैंग कर दिया हमने और वेट से ये वायर स्ट्रेच हो गया। तो सपोज इट दिस प्रीवियसली इसका जो लेंथ था दैट वाज द कैपिटल एल, और ऑन इंक्रीजिंग एंड एलोंगेट जब हुआ तो स्मॉल एल इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, तो रेशियो ऑफ द ओरिजिनल लेंथ चेंजिंग इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो हम बात करते हैं स्ट्रेन की, तो देखिए स्ट्रेन के बारे में क्या है, चेंजेस द रेशियो ऑफ द चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो अब यदि हम इसको कहते हैं, इसको तो हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब इन दोनों की जगह पर हम वैल्यू को यहां पुट करें, एट द प्लेस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस हम वैल्यू पुट करें एफ अपॉन ए एंड एट द प्लेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम वैल्यू पुट करेंगे एल अपॉन ए। तो यदि हम इसकी वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो मैं इसको यहां से हटाता हूं और तुम्हें ये बताता हूं, देखिए वाई कैपिटल। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है कि फोर्स जो है द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो वो क्या नॉर्मली एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसलिए हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम लिखेंगे एफ अपॉन ए एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि खिंचाव हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, वायर हो या फिर हमारे पास कोई रॉड हो। ठीक है, अब यदि इसके ऊपर हम लिखेंगे एल अपॉन कैपिटल एल, अब इन दोनों को यदि हम करते हैं तो नीचे आपकी ऐसे हो जाएगा एफ एल अपॉन ए और एल। अब ए जो है दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड दैट इज द पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, इसका रेडियस हमारे पास आर हो जाएगा। तो यदि अब हम इसको लिखेंगे कंप्लीटली, तो मैं किस पोर्शन को यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा दूं, अब मैं लिखूं कैपिटल वाई, अब यह नया लिखूं वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू में लिख सकता हूं एम जी, क्योंकि एक तरह का वेट है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एट द फ्री एंड, तो ये हो जाएगा एम जी एल अपॉन और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एल। अब यदि हम इसका निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट एसआई यूनिट में क्या निकलेगा, तो वाई इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई और आर, क्योंकि मीटर में मेजरमेंट होगा, इसका भी मीटर में मेजरमेंट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब टोटल मिला के, अब ए और इसको लिखेंगे मीटर। तो यदि मैं इसको ऐसे हटा दूं यहां से फिलहाल के लिए, तो आर स्क्वायर एल यहां पर रहेगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे, देखो मीटर से मीटर को मैं कैंसिल कर सकता हूं, यानी कि लेंथ से लेंथ हमारा कैंसिल हो सकता है इस केस में। अब यहां बचेगा एम जी पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे तो हम लिख सकते हैं एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम के अंदर हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यह है फोर्स, फोर्स का होता है एमजी और फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। ठीक है, पाई डायमेंशनलेस होता है, आर जो है दैट इज मेजर्ड इन द मीटर, तो ये आर स्क्वायर होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तब है यदि हम एसआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं यहां पर। तो अगर सीजीआई सिस्टम को हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा डाइम,
ये y इज इक्वल टू इसकी टोटल जो यूनिट बनेगी वो बनेगी डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक और इसकी बनती है पास्कल, तो y इज इक्वल टू एक बनती है सिंपली पास्कल, हम पास्कल भी यूनिट डाल सकते हैं। तो तीन यूनिट होगी, पास्कल हो गई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, और डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी टोटल हो गई सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस के बारे में कि बल्क मॉडुलस क्या चीज है। तो बल्क मॉडुलस में आपको क्या समझना है वो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जो कि मेटेलिक बॉडी है, यानी कि कुछ भी हमारे पास, सपोज आपका बॉल है, तो अब फुटबॉल है हमारे पास, बॉल है हमारे पास, किसी भी तरह का कोई इस तरह का कोई बॉडी हमारे पास जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर सके, ठीक है। तो जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सर्टेनली वो क्या होगा, इनिशियली उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जब कुछ वॉल्यूम इनिशियली होगा और ऑन अप्लाइंग द स्ट्रेस ऑन द बॉडी, जब बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ऑन अप्लाइंग द स्ट्रेस जो वॉल्यूम है दैट विल बी डिक्रीज, वो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कब होगा, जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे। तो जब नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है जो नॉर्मल स्ट्रेस हम लिखते हैं एफ अपॉन ए, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस जब ये हो गया, अब हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या आ जाएगा आपका, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड ऑन अप्लाइंग द आपका नॉर्मल स्ट्रेस, जब नॉर्मल स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने फिगर बनाई है, ये बॉल टाइप में कोई चीज है, उसके ऊपर हम चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में इसके इस साइड से नॉर्मल परपेंडिकुलर उसके ऊपर लग रहा है फोर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डेफिनेशन इसकी बनती है बल्क मॉडुलस की, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं और यहां लिखते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये दो चीज हमारे पास आ गई, ऑलरेडी नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में समझा चुका हूं, नहीं किसी को समझ आया तो मेरे पिछले वीडियो में जाए और मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। वैसे भी सिंपल क्या है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमारे पास आता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब दोनों को यदि हम यहां से कंपैरिजन करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह हम वैल्यू लिखते हैं, नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह हम लिखते हैं, तो डीएल बन जाएगा के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस से आ जाएगा एफ अपॉन ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी हम इसको करेंगे। अब इसको करते हैं तो हमारे पास आएगा एफ वी अपॉन ए माइनस डेल्टा वी, ये हो गया। अब हम ये देखें कि F अपॉन A जो है वो P के इक्वल होता है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, K इज इक्वल टू F अपॉन A की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर P V माइनस और डेल्टा V। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसके लिए भी रिजल्ट अगर हम निकाल के देखेंगे तो एक तो इसकी यूनिट होगी पास्कल, एक यूनिट पास्कल होगी, दूसरी यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने समझाया आपको बल्क मॉडुलस के बारे में। और ये क्या चीज है, किसी भी जो मेटेलिक बॉडी होती है जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। यानी कि वो डेफिनेशन क्या है, सिंपल स्ट्रेस की है, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस मीन्स फोर्स अप्लाइंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया, तो एफ अपॉन ए। और जो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो वो आता है चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं वो आता है वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज हुआ है वो डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जैसे कि बोर्ड पे तुम देख रहे हो कि हमने यहाँ पे लिखा नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एफ अपॉन ए माइनस डेल्टा वी अपॉन बी, अगर हम एफ अपॉन ए को लिखते हैं तो वो पी बन जाता है, पी बी ऊपर चला जाएगा तो पी वी अपॉन माइनस डेल्टा वी। तो ये डीएल हमारे पास बन गया, ये B माइनस डेल्टा बी रिजल्ट आगे आपके सामने है, पी बी माइनस डेल्टा बी। तो ये हमारे पास, इसको हम के से डिनोट करते हैं, ये इट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और पहले वीडियो में मैंने बताया उसमें क्या है,
आपका डेफिनेशन में कि द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कहलाता है हमारा यंग्स मॉडुलस। तो आज के वीडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।